मुंबई की कम्युनिटी, यूट्यूब कम्युनिटी इतनी सक्सेस क्यों है पता है? इतना तगड़ा मौसम होंदा पे, मैं क्या सोने हो, मजा आया, हवा चल रही है, और की चाहिए? दिल्ली वालों ने अभी इतनी गर्मी ते कोल, और की चाहिए? ऐ तो चाहिए, की चाहिए? ऐ ठंडी ठंडी हवा, ये फिजा। ओहो, आई होप कि बारिश है, फाइनली मेरी बाइक कवर है, मैं कोई दिक्कत नहीं ले रहा बाइक को लेके। और यार अगर इतने प्यारे मौसम में अभी हवा नहीं चल रही होती ना तेज, तो मैं ड्रोन उड़ा देता, क्योंकि मौसम हो रहा है, लाइटिंग हो रही है, लेकिन यूजली इस टाइम तक मैं सो रहा होता हूँ या फिर मैं जिम से आया होता हूँ, मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हो रहा। तो कल अपने को जाना है फ़ोटोशूट पे, तो ये रहा पानी और ये रहा हेलमेट। हेलमेट को करते हैं क्लीन, क्योंकि बहुत सारी फ़ोटोग्राफ लेने हैं और इंस्टाग्राम तो भर देना है, तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ये साफ़ करते हैं, बिफोर ऐसा दिख रहा है, देख लो एक बार ऐसा दिख रहा है, आफ्टर भी दिखा दूंगा, फिर मिलते हैं आपको सीधा गल। आज सुबह आ गई भयंकर बारिश। अब भयंकर बारिश आई है तो बाइक गंदी होगी, चाहे जितना कवर डाल लो, अब बाइक गंदी हुई है तो उसका मतलब नो फोटोशूट। अब नो फोटोशूट, जो प्लान था पूरा वो धरा का धरा रह गया। इतने अच्छे से हेलमेट साफ करे थे, ऐसे कैसे पड़े रह गए। बट नेवर दी लेस इस वीडियो को समाप्त करते हैं खुशखबरी से आप लोगों के लिए। वो पहले खुशखबरी सुनो। सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय ओयो, और ओयो का मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, क्योंकि मैं ओयो यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं अभी बहुत कम यूज़ करता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, वहाँ पे यूज़ करता हूँ ओयो। और ओयो ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में है, और आपको, क्योंकि मेरी ये नई आइडिया, तो मैं यहाँ पे अगर बुकिंग पे जाऊँगा और बुकिंग पे देखूंगा तो ऑलरेडी मेरे को 25% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर चाहे तो आप इसको चेंज कर सकते हो, और अगर आप पुराने कस्टमर हो तो आपको जो है डे बाय डे और जैसे ही आपके गुजरेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलता रहेगा। और साथ ही साथ आप मेरा नीचे जो कूपन कोड है डिस्क्रिप्शन में उसको यूज़ करेंगे तो साथ ही साथ आपको 5 से 10% डिस्काउंट मिलेगा, और तुम्हारे भाई का कुछ फ़ायदा हो जाएगा, तो तुम्हारा भाई तो कुछ ट्रैवल कर पाएगा। तो इसलिए बहुत सिंपल सी बात है, नीचे जो कूपन कोड दिया यार उसको यूज़ करो यार। तो इसी के साथ बढ़ते वीडियो में। अब बात करते हैं कि YouTube छोड़ने का मेरे दिमाग में क्यों आया, जब मैं कोई चीज़ 3 साल से कर रहा हूँ, अब एकदम से दिमाग में क्लिक कर जाता है कि राघव रहन देते, कुछ सक्सेस तो मिलने ही रही। तो ये जो आपने लास्ट 3 वीडियोज़ देखे, टू बी ऑनेस्ट ये वाली देखो, एक तो क्या बोलते हैं, एक माय ट्राइसेप वाली, और सेकंड जो है अपनी KTM वाली, और उसके ऊपर जो है मेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने बाइक चलाई थी उसकी स्टोरी। अगर ये 3 वीडियो नहीं चलती और ये 10,000 के पार व्यूज़ नहीं आते, आई स्वेयर मैं अपना मन बना चुका था, तो आई गोना लीव यूट्यूब। बट देखो, टू बी ऑनेस्ट, ऐसे विचार आना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब आपके मन में ऐसे विचार आते हैं तो आप उन पे कहीं ना कहीं उस वक्त के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए चले ही जाते हो ऑलमोस्ट।
और मैंने ये सोच लिया था कि यार कुछ नहीं, अपना बिजनेस वगैरह कर लेते हैं जो चल रहा है फ्रीलांसिंग के लिए, और आगे बढ़ जाते हैं। क्या हुआ, कैमरा हेलमेट वगैरह बेच के इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ अपना नया काम खोल लेंगे। लेकिन लेकिन जो मैं स्टेबल कर चुका हूँ अभी यहाँ पे, बहुत बहुत सेंस वाली बात है, जो मैं स्टेबल कर चुका हूँ, अरे भाई 3 वीडियो डाली है, तीनों के तीनों 10,000 व्यूज पार। यानी आप लोग मेरे KTM Duke 390 देखना चाहते हो, मेरी बाइकिंग देखना चाहते हो, मेरे मोटो व्लॉग देखना चाहते हो, और ये एक ऐसी चीज है जो ग्रो होती रहेगी डे बाय डे। ये चीज मेरे दिमाग में बिना किसी के हेल्प के, बिना किसी की समझ लिए हुए, पूरे के पूरे एक रात में समझ में आई है कि ये जो मैं अभी अपना एम्पायर खोल चुका हूँ, ये बहुत अच्छा खोल चुका हूँ। मुंबई की कम्युनिटी, यूट्यूब कम्युनिटी इतनी सक्सेस क्यों है पता है? मुंबई की यूट्यूब की कम्युनिटी इसलिए सक्सेस है, वहाँ पे हर बंदा एक दूसरे को जानता है, पहचानता है, एक दूसरे की हेल्प करता है, एक दूसरे को सपोर्ट करता है, एक दूसरे को आगे लेके जाता है। और कहीं ना कहीं ये बात देखी जाए तो वहाँ की कम्युनिटी में है, जैसे अपने MN और UIC में बनती नहीं है, अब किसी कारणवश नहीं बनती, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे की धज्जिया नहीं उड़ाते कैमरे पे। मैंने ये बात देखी दिल्ली की जो कम्युनिटी है, जो मैं चाहता था, क्योंकि मैं मुंबई की कम्युनिटी से काफ़ी ज़्यादा रूबरू हो रखा हूँ, क्योंकि मेरे मुंबई में काफ़ी अच्छे यूट्यूबर्स फ्रेंड हैं, MS के भाई हैं जिनसे हम मिले हुए हैं, वहाँ का नेचर देख लो। लेकिन मतलब वहाँ पे 3-4 टॉप ऐसे व्लॉगर हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, दो तो नाम हमें पता है, MSK और MN। लेकिन जो हमारे यहाँ के मोटो व्लॉगर हैं, यहाँ के व्लॉगर हैं ना दिल्ली के, इतने एरोगेंट हैं और ऐसे हैं कि मतलब उनसे बात करने ही दूर की बात है, तो हम मिल भी नहीं पाते ढंग से, तो ये चीज़ होती है। तो यूट्यूबर्स का ना एक सपोर्ट नहीं रह पाता, तो वो जो कनेक्शन है धीरे धीरे टूटते जाते हैं। अब क्या होता है, ये पहले नीचे लड़े होते हैं, एक दूसरे से नीचे लड़े होते हैं, फिर लेवल बाय लेवल बढ़ते जाते तो लड़ाइयाँ बढ़ती जाती हैं। आई नो आप लोगों को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अंदर की बातें मैं नहीं कर सकता बाहर। ऐसे मेरे साथ कुछ ऐसे सीन हुआ था, मेरे को किसी ने डाउनग्रेड करने की कोशिश करी थी, और आई नो कई हद तक वो बंदा सक्सेसफुल हो गया है, और मैं उसको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि उसने ऑलमोस्ट मेरा करियर बर्बाद कर दिया था, बट मेरे अंदर इतना अच्छा मोटिवेशन भरा हुआ है ना, इतना अच्छा मोटिवेशन भरा हुआ है ना जिसकी कोई हद नहीं है। और वो किस वजह से, काफ़ी लोग पूछते भाई कैसे रह लेते हो, इतनी प्रॉब्लम है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, चोट है, चोट मेरी फटा पड़ा ये एरिया, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। म्यूज़िक, एवरीथिंग इज फॉर मी इज म्यूज़िक। म्यूज़िक सुनो, अपने काम पे लगो, दुनिया ऑफ कर दो। ये ईयरफोन्स, ठीक है, ये ईयरफोन्स कई लोगों को लगता है ऐसे लगा के रखता है कॉल्स वगैरह, अरे भाई जो गानों से रिलैक्स मिलता है ना, वो किसी चीज़ से नहीं मिलता। बस मैं कोई छोटी सी बात करनी थी, या मैं ऑलमोस्ट अपना यूट्यूब करियर बर्बाद कर देता और किसी और काम में लग जाता, अपनी हायर स्टडीज़ कर लेता, बट लेकिन जो चीज़ मैंने बना दी है इस एज में आके, कई लोगों के पास 30-30 साल में सुपर बाइक्स आती हैं, 25-25 साल में आती हैं, लेकिन अभी मेरे पास KTM Duke 390 है, मैं उसका खर्चा निकाल पाता हूँ, उसका पेट्रोल निकाल पाता हूँ, और क्या चाहिए इस एज में। परफेक्ट भाई, लाइफ तो सेट है, अभी बहुत अच्छी सेट करनी है। अभी कितने सब्सक्राइबर है ये देख लो, अभी कितने सब्सक्राइबर और करने हैं हमें। यहाँ पे मैंने क्लिक करा और राघव व्लॉग्स, इतने सब्सक्राइबर अभी और करने हैं हमें, यानी ऑलमोस्ट 16,000 सब्सक्राइबर और करने हैं, और ये कैसे आएंगे, रेगुलर बातचीत से। तो बाय गाइस, इसी साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ओयो चेकआउट करना मत भूलना, जो भी आपका डिस्काउंट आपको मिल रहा ऑलरेडी उसके ऊपर भी डिस्काउंट मिलेगा, ये अपनी तरफ से आप लोगों को एक छोटा सा गिफ्ट है। 84,000 की फैमिली को मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, क्योंकि आई नो आप में से ज़्यादा ट्रैवलर्स हैं, तो मेरी तरफ से आपको गिफ्ट। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। गुड क्वालिटी हेलमेट्स एंड ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग। बाय गाइस, लव यू, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल सपोर्ट। मैं चला जिम और जिम की वीडियो आएगी लगभग ऑलमोस्ट 2 महीने बाद, जब मेरी एक अच्छी बॉडी आ जाएगी, एक फिगर आ जाएगी, जब मैं शो ऑफ कर सकूं और आप दिखा सकूं। ये देखो बच्चों, चलो बाय गाइस, लव यू ऑल। अप गुरु, कल फोटोशूट है, फाइनली विश करना, बारिश ना है।